हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अनअकैडमी वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, जो आज का सेशन है, यहाँ पर हम बेसिकली देखेंगे जनरल अवेयरनेस के वो क्वेश्चन जो एनटीपीसी में भी आए थे और कुछ दोस्तों मैंने अपने हिसाब से भी ऐड किए हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चले गए, सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। और एक बार सही बच्चे सेशन को यहाँ पर शेयर जरूर से जरूर कर दें। हेलो अभिषेक, ज्योति, शिवानी, त्रिलोक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, जो बच्चे मुझे नहीं जानते, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा नाम अनुराग है और मैं आपको अन अकेडमी पर एसएससी कैटेगरी में जो जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट है वो आप लोग के साथ में डिस्कशन करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे कुछ क्रेडेंशियल देख सकते हो, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस देख सकते हो, और ये वो सारे सब्जेक्ट है दोस्तों जो मैं आप लोग के साथ में डिस्कशन करता हूँ अन अकेडमी में एसएससी कैटेगरी में। हालांकि गाइस, जो मेरे लेक्चर होंगे ये काफी ज्यादा यूजफुल होंगे आपके एसएससी में, रेलवे में, स्टेट एग्जाम में, बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल देखने को मिलेंगे। हेलो काजोल दोस्तों, ये मेरा कोड है NG10, इसका यूज करके आप अन अकेडमी पर मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। किसी भी कैटेगरी में आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। आगे दोस्तों हम लोग बात करेंगे, तो आपको याद रखना है अन अकेडमी लर्निंग ऐप के थ्रू दोस्तों आप एक टेस्ट दे सकते हो जो कि एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसको हम लोग SSC कॉम्बेट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 मिनट का आपके पास टाइम होता है। और दोस्तों इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, खुद को एनरोल करो और यूज करो इनवाइट कोड NG10। और दोस्तों ये टेस्ट जो होता है एवरी संडे 12 PM पे आपको देखने को मिलता है। अगर आपकी रैंक टॉप 3 में आती तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। 4 to 10 लाते तो 35% की स्कॉलरशिप मिलती है। 11 to 50 लाते तो 50% की स्कॉलरशिप मिलती है। रैंक 51 से 500 लाते तो 25% और रैंक 501 से 1000 लाते तो 20% की स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलती है। हेलो शुभजीत। आगे दोस्तों, अगर मैं अनअकैडमी प्लस के बारे में बात करूं तो आपको 30+ बैचेस एवरी वीक मिलती हैं, 300+ क्लासेस एवरी डे होती हैं, 70+ इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको यहां पे पढ़ाते हैं, 40,000 आवर का रिकॉर्डेड कंटेंट आपको मिलता है, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं और 90% से भी ज्यादा दोस्तों जो स्टूडेंट है उनका ट्रस्टेड है। यहाँ पर दोस्तों रिकॉर्डेड से ये मतलब होता है कि जो भी प्रीवियस लेक्चर्स है ना अनअकैडमी में, जितने भी एजुकेटर उन सभी के आपको अवेलेबल हो जाएंगे और साथ में अपकमिंग भी आपको मिलेंगे। और याद रखो दोस्तों, हर एक लेक्चर का आप जो PDF नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हो। और अन अकेडमी दोस्तों हर 4th सेशन जो होता है आपका, वो आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। इस समय दोस्तों मेरे प्लस में 2 बैच चल रहे हैं, एक चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री और एक नया बैच आया दोस्तों फाउंडेशन कोर्स का, इसमें इस समय इंडियन पॉलिटी चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों 29 अगस्त से कुछ नए बैचेस भी स्टार्ट हुए CGL CGSL के लिए, है ना, कंप्लीट बैच आप तैयारी कर सकते हो। 400 आवर से ज्यादा का इसमें क्लासेस आपको देखने को मिलेगा। तो एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में दोस्तों आप जितने भी एजुकेटर को अन अकेडमी में जानते हो, जो भी SSC कैटेगरी में पढ़ाते हैं, आप उन सभी के लेक्चर अटेंड कर सकते हो। 29 सितंबर दोस्तों एक नया हम लोग बात करें तो GS का बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तो ये बात भी आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। हेलो राहुल, बी कुमार, DJ गेमिंग, एवरीवन दोस्तों गुड मॉर्निंग। इस समय दोस्तों 1 ईयर की फीस 6500, 2 ईयर की बात करें तो 7800, बट ये पे मत करो, यूज करो कोड NG10, इंस्टेंट आपको 10% ऑफ मिलेगा। 1 ईयर की फीस है 5850, 2 ईयर की दोस्तों बात करें तो 7020। और गाइस, अगर आप 2 ईयर का SSC लेते हो तो आप 8 मंथ की वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिलती है, 1 ईयर का लेते हो तो आपको 4 मंथ एक्स्ट्रा मिलता है, 6 मंथ का लेते हो तो आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलता है। अगर आप बैंक प्लस SSC अवेल करते हो दोस्तों तो आपको 12 मंथ एक्स्ट्रा मिलते हैं अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो, और बैंक प्लस SSC का अगर आप 1 ईयर का लेते हो दोस्तों तो आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, जो कुलदीप हांडू है इनका रिलेशन कौन से गेम्स है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग नीरज, राव, फार्मेसी, एवरीवन दोस्तों। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन हमारा, और फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने दोस्तों ये रहा, कुलदीप हांडू का रिलेशन कौन से गेम से है। देखिए दोस्तों, कुलदीप हांडू जी के बारे में हम लोग बात करें, सबसे पहले तो ये जम्मू कश्मीर से है, और इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जम्मू कश्मीर से ये पहले व्यक्ति बने हैं जिनको दोस्तों कौन सा अवार्ड दिया गया था, द्रोणाचार्य। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। दैट मीन्स दोस्तों ये एक कोच है, है ना। तो गाइस, अगर हम लोग बात करें ये कौन सा गेम खेलते हैं तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा वुशु। और वुशु है क्या दोस्तों, वुशु एक प्रकार का मार्शल आर्ट है। गुड मॉर्निंग नीरज, राम गोपाल, नीतू, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं अगर बात करूं वुशु क्या, एक प्रकार का मार्शल आर्ट है जो कि जापान में, चाइना में, इन देशों में दोस्तों आपको देखने को मिलता है। तो जरूर से जरूर आप लोग यहाँ पे याद रखें, जय हिंद बेटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वुशु कोच कुलदीप हांडू द फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी रिसिपिएंट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आपको बहुत अच्छे से दोस्तों याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं, भारत ने ओलंपिक में मैक्सिमम जो मेडल है दोस्तों वो कौन से गेम में जीते। देखो भाई, आप सबको पता दोस्तों कि इस बार हम लोगों ने टोटल कितने मेडल जीते हैं। इस बार का जो ओलंपिक हुआ था दोस्तों, अगर हम लोग आप बात करें तो बताइए जरा,
यस और नो, इस बार के ओलंपिक में हम लोगों ने दोस्तों टोटल 7 मेडल जीते हैं, यानी कि टोटल आज तक हमारे ओलंपिक में कितने मेडल है 35, टोटल आज तक के हमारे कितने मेडल है 35, ठीक है। इन मेडल में भी दोस्तों अगर मैं बात करूंगा तो हमारे पास 10 गोल्ड है, ठीक है, इनमें से 8 गोल्ड जो है दोस्तों वो हम लोगों ने एक सिंगल गेम में लेकर के आए हैं, और वो गेम कौन सा दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हॉकी, बिल्कुल हॉकी करेक्ट है। गुड मॉर्निंग सुरेंद्र, संगीता, हाँ बिल्कुल नीतू, एवरीवन दोस्तों, गुड मॉर्निंग कुमार। तो यहाँ पर देखो दोस्तों हम लोग बात करेंगे, टोटल आज तक हम लोगों ने ओलंपिक में 12 मेडल जीते हैं आज तक, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल है, 1 सिल्वर मेडल है और 3 ब्रॉन्ज मेडल है। और ये पॉइंट याद रखो, द कंट्री इज द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन ओलंपिक, मतलब दोस्तों वर्ल्ड में ना ओलंपिक में अगर हम लोग बात करें ओलंपिक गेम में जाए तो इंडिया से ज्यादा सक्सेसफुल हॉकी टीम किसी की नहीं, किसी ने भी अभी तक दोस्तों याद रखना 12 मेडल नहीं जीते हैं हॉकी में, तो ये आपको याद रखना है। और हमारे दोस्तों जो कैप्टन है हॉकी के मेंस टीम के इस समय, वो है कौन है, मनप्रीत सिंह। और जो वुमेन्स टीम है दोस्तों उसकी जो हॉकी टीम की कैप्टन कौन है, रानी रामपाल, ये बात भी आप लोग यहाँ पे जरूर से जरूर याद रखना। दोस्तों टोटल 12 मेडल है जिसमें से 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज हमको मिला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इसके नए चेयरमैन कौन है, अजय महिंद्रा, उदय शंकर, दिलीप सिंह या फिर राहुल बोस। ओके बेटा उत्तराखंड से, वेरी गुड दीपक, हाँ जी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पे बताएं। हाँ जी, तो गाइस अगर मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करें इसके जो चेयरमैन है इससे वो करें उदय शंकर, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से जरूर दोस्तों आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। अगला देखते हैं, इंडिया के फर्स्ट लोकपाल, दोस्तों हम लोग जानते हैं ये जो लोकपाल है ये एक पोस्ट जो बनी है किससे बनी है, ये एक एम्बुड्समैन करके दोस्तों हम लोग बात करेंगे, एक निकाय है, एक संस्था है, और ये सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे स्वीडन में बनी थी, उसी का देख करके दोस्तों इंडिया में भी स्टार्ट किया गया है। ये एम्बुड्समैन है क्या, बेसिकली ये करप्शन को देखेगा, जो गवर्नमेंट होगी उसके करप्शन को देखने का काम करेगा लोकपाल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग को मुझे बताना है, बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा पिनाकी चंद्र घोष। और एनवी रमन दोस्तों हमारे कौन है, ये हमारे 48th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों इस समय, ये बात भी आप लोग यहाँ पे जरूर से जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, फाइनेंस कमीशन दोस्तों कौन से आर्टिकल में, देखो कल मैंने फाइनेंस कमीशन आपको पढ़ाया था पूरा कि भाई फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनकी नियुक्ति करता है, ये पढ़ाया था। इनका टेन्यूर कितना होता है, 5 साल का होता है। ये बेसिकली मेन इनका काम क्या है कि टैक्स का बंटवारा करना राज्यों के बीच में और केंद्र के बीच में, और ज्यादा से ज्यादा पैसा राज्यों को दिलाना इनका मकसद रहता है। और इनमें दोस्तों लोग बात कर, इस समय कौन से नंबर का फाइनेंस कमीशन चल रहा है, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि 2020 से लेकर के 2025 तक जो चल रहा है वो कौन सा फाइनेंस कमीशन है, उसके चेयरमैन कौन है, एनके सिंह। और जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था वो भी मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये चला था 1952 से लेकर के 1957 तक, और इसके हेड दोस्तों कौन थे, मिस्टर केसी नियोगी। तो ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी, और ये आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल नंबर 280 में। आर्टिकल नंबर 324 में दोस्तों क्या मिलेगा आपको, इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग देखने को मिलेगा। आर्टिकल नंबर 315 में आपको क्या देखने को मिलेगा, यूपीएससी देखने को मिलेगा। आर्टिकल नंबर 243 के में दोस्तों ये बताया जाता है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में यहाँ पर जिक्र मिलेगा आपको, कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है राज्य चुनाव आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है राज्य चुनाव दोस्तों जो आयोग है, इसके पास काम होता है किसका, कि भाई जो भी पंचायत होती हैं या फिर जो भी म्यूनिसिपैलिटी है, नगर पालिका और पंचायतों का चुनाव कराना, ये राज्य चुनाव आयोग का काम होता है। तो ये भी बात दोस्तों आप लोग को यहाँ पे याद रखना है, है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग यहाँ पे चलते हैं। प्लेयर ऑफ द सेंचुरी ये अवार्ड किसको दिया गया, सदी का सबसे महानतम खिलाड़ी दोस्तों किसको दिया गया, बताएं जरा। देखो 1 तारीख से मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करूंगा, अब उस न्यू सीरीज के बारे में बता देता हूँ। उसमें 5 क्वेश्चन करंट के हुआ करेंगे, 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, 5 क्वेश्चन पॉलिटी के, 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक या फिर कुछ कम हो सकते हैं। तो लगभग एक ये सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ 1 तारीख से, जिसमें और कोशिश करूंगा कि 5 में यहाँ पे स्टैटिक के अलग डालो, है ना। साइंस के तो बेटा हम लोग बात करेंगे तो सारे बहुत सारे फैकल्टी आपको करा रहे हैं, जनरल अवेयरनेस भी करा रहे हैं, लेकिन मेरा सब्जेक्ट मेन जनरल अवेयरनेस है, तो मैं इतना करूंगा, कोशिश करूंगा कि साइंस के भी कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डाल दूँ। हाँ जी,
तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, प्लेयर ऑफ सेंचुरी दिया गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, और आप जानते हो दोस्तों ये कौन से टीम से है या फिर कौन से देश से, तो ये पुर्तगाल से है। और पुर्तगाल के बारे में बात करो दोस्तों तो यहाँ की राजधानी क्या कौन सी, लिस्बन, ये भी आप लोग जरूर से जरूर याद रखेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आगे देखते हैं, सूर्यधर लेक, दोस्तों ये एक लेक अभी रिसेंटली बनाई गई है, और ये जो लेक है दोस्तों कहाँ पर बनाई गई है अगर हम बात करें तो ये बनाई गई देहरादून में, ठीक है, ताकि देहरादून में दोस्तों वाटर सप्लाई की जा सके, खास करके ड्रिंकिंग वाटर। अब आप लोग दोस्तों मुझे बताओ कि ये हम लोग बात करें कि कहाँ पर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में दोस्तों एक ही रामसर साइट है, ओनली रामसर साइट। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उत्तराखंड में रामसर साइट कौन सी है? उत्तराखंड में एक ही रामसर साइट है दोस्तों, उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है ना, बिल्कुल। हाँ जी, इस क्वेश्चन का दोस्तों आप लोग आंसर बताए, ओनली रामसर साइट जो उत्तराखंड में उसका नाम क्या है? एकमात्र। वैसे हमारे कंट्री में कितनी टोटल रामसर साइट? 46। हाँ जी, हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों, ओनली रामसर साइट इन उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड। बिल्कुल, अभी आप बच्चे बात भी कर रहे थे देवभूमि उत्तराखंड, तो बताएं। इस समय यहाँ पे हम लोग बात करें दोस्तों पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे कौन है, इस समय यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी हैं आप लोग जानते हो, और नए गवर्नर कौन है बताओ उत्तराखंड के? हाँ जी भाई, तो इसका नाम है आसान, एक ही रामसर साइट है जिसका नाम क्या, आसन। ये भी आप लोग को यहाँ पे जरूर से जरूर दोस्तों याद रखना है। आउट ऑफ 46 एक उत्तराखंड में मिलेगा आपको, बिहार में भी एक ही दोस्तों कुंवरताल, और सबसे ज्यादा दोस्तों कहाँ पर है? 8, उत्तर प्रदेश में है, और सेकंड नंबर पर दोस्तों पंजाब में, पंजाब में कितना है? 6। ये भी आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हो, बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ, सबसे पहले जो थी वो चिल्का लेक हुआ करती थी, बिल्कुल ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों फर्स्ट रामसर साइट चिल्का लेक थी। चलिए दोस्तों, फीफा ने बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जो है वो किसको दिया? फीफा ने बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड इस बार किसको दिया? फीफा का मतलब क्या है? फुटबॉल की बात हो रही है, और बात करें दोस्तों तो हम लोग बात करेंगे, आपको कई बार मैंने बताया भी है कि 2022 का वर्ल्ड कप और 2026 का वर्ल्ड कप का लोकेशन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि 2022 का कहां पर होगा आपको पता है, कतर में। 2026 का 3 देशों में होगा, यूएसए, कनाडा, और तीसरा कंट्री कौन सा है दोस्तों? मैक्सिको। 2018 का कहां पर हुआ था तो ये भी आपको पता है, ये हुआ था रशिया में, और इसको जीता किसने था दोस्तों? तो इसको जीता था फ्रांस ने, है ना। इस क्वेश्चन का दोस्तों हम लोग करेक्ट आंसर बताएंगे, तो करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा रॉबर्ट लेवांडोस्की। और रॉबर्ट लेवांडोस्की दोस्तों याद रखना, ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? पोलैंड। कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों? पोलैंड से, है ना, ये भी आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों जो बच्चे मैसी लगा रहे हैं वो गलत है, यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा रॉबर्ट लेवांडोस्की। और रॉबर्ट लेवांडोस्की कहाँ से हैं दोस्तों? पोलैंड से, ये आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। हाँ बिल्कुल, ये भी बेटा याद रखना है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कप था फीफा का वो हुआ था दोस्तों 1930 में, और ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपका उरुग्वे में। और आपको ये भी याद रखना है दोस्तों कि इसको जीता भी था कौन, इसका विनर भी कौन था? उरुग्वे ही था, और हुआ भी कहाँ पे था? उरुग्वे में था। तो ये दोनों बातें याद रखना। उरुग्वे कहाँ पर है दोस्तों? ब्राजील के नीचे आपको देखने को मिलेगा। चलिए, हाँ जी, अगले क्वेश्चन तरफ दोस्तों लोग बात करेंगे, तो चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? इस समय हमारे कंट्री में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कितने हाई कोर्ट हैं हमारे कंट्री में, इस समय टोटल नंबर बात करेंगे दोस्तों तो 25 हाई कोर्ट है, ये आप लोग को याद रखना है। और जो लेटेस्ट हाई कोर्ट बना है दोस्तों, क्योंकि जो हैदराबाद वाला है वो तो तेलंगाना के पास चला गया था, जो लेटेस्ट हाई कोर्ट है दोस्तों वो कौन सा है? वो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट, ये बात भी याद रखना। और जो लार्जेस्ट हाई कोर्ट है पूरे देश का, सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट है दोस्तों, वो आपको कौन सा देखने को मिलेगा? वो आपको देखने को मिलेगा अलाहाबाद हाई कोर्ट। अलाहाबाद हाई कोर्ट देखने को मिलेगा, और क्यों मिलेगा? क्योंकि अलाहाबाद हाई कोर्ट में दोस्तों टोटल नंबर ऑफ जज कितने होते हैं? 160। हाँ जी, तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा राघवेंद्र सिंह चौहान। राघवेंद्र सिंह चौहान इज द राइट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। हिमा कोहली तो दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है ना। चलिए अगला दोस्तों, अगर कोई कंट्री अपने करेंसी का डिवेल्युएशन करता है, अवमूल्यन करता है, यस और नो, तो उससे क्या देखने को मिलता है? अगर कोई कंट्री अपनी करेंसी का डिवेल्युएशन करता है, अवमूल्यन करता है, तो उससे क्या देखने को मिलता है दोस्तों? एक बार आप लोग इस सेशन को प्लीज शेयर कर दीजिएगा, है ना, और सारे बच्चे सेशन को लाइक भी जरूर कर दें।
हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे करेंसी का डिवेल्यूएशन, इससे क्या समझते हैं, इसको समझना। देखो मान लो हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या करे, जो हमारी करेंसी है, जैसे कि हमारी करेंसी क्या, रुपया, इसकी जो वैल्यू है वो गिरा दे। इसको एग्जांपल से कैसे समझो, सपोज करो दोस्तों पहले 100 रुपए में, 100 रुपए में कोई सामान आप ले पाते थे, पर अब 100 रुपए में हम लोग दोस्तों बात करेंगे तो वो सामान नहीं ले पाओगे। या फिर दोस्तों आप इसको ऐसे समझ लो, ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लो, मान लो दोस्तों जो चाइना का एक करेंसी है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते, चाइना का करेंसी क्या, रेनमिनबी या फिर युआन, ठीक है ना। मान लो दोस्तों एक युआन इक्वल्स टू, मान लो अगर ये 10 रुपीज हुआ करता था, तो गवर्नमेंट ने ऐसा गिराया अपनी करेंसी को कि एक युआन के बराबर हो गया हमारा कितना, मान लो दोस्तों हम लोग बात करते हैं 30 रुपया। बात समझ पा रहे हो? तो दोस्तों हमारा जो वैल्यू है वो गिर रहा है। अब जब हमारे करेंसी का वैल्यू गिर रहा है, एक बात बताओ, अब हमारे अगर हमारे दोस्तों मतलब जो करेंसी का वैल्यू गिर रहा है, तो अब जो चाइना वाले हैं उनके पास तो दोस्तों युआन बढ़ ही रहा है, तो अब जो चाइना वाले हैं वो दोस्तों हमसे क्या कर सकते हैं, हमसे ज्यादा से ज्यादा माल खरीद सकते हैं। आप खुद सोचो, अगर युआन की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, तो क्या होगा, चाइनीज लोग हमसे ज्यादा माल खरीद सकते हैं। अगर वो हमसे ज्यादा माल खरीद सकते हैं तो क्या होगा बताओ, हमारा जो निर्यात है, निर्यात को ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट, जो हमारा निर्यात है दोस्तों ये बढ़ने लगेगा। और अब देखो दोस्तों, जब चाइना ये सोचेगा कि अब अगर मैं माल इंडिया भेजता हूँ, तो इंडिया के लोगों के पास तो बेटा बात करेंगे जो पैसा बहुत कम बचा, मतलब उनके मूल्य की वैल्यू, पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो ऐसे में दोस्तों जो आयात है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पोर्ट, ये तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि दोस्तों जो विदेशी है उनको फायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे दोस्तों वैल्यू बहुत कम है पैसे की, है ना। तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा हमसे खरीदेंगे, लेकिन हम लोग काफी कम खरीदेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा एक्सपोर्ट में और डिक्रीज होगा इंपोर्ट में। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ई, A and D इज करेक्ट, है ना बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, हाँ पहाड़ से जय हिंद बेटा। तो क्या ये पॉइंट आप लोग को समझ में आया या नहीं आया, यस और नो, एक बार आप लोग मुझे बताएं क्या ये पॉइंट्स आपको क्लियर है या नहीं। अगर आप लोग को क्लियर हुआ दोस्तों तो आप लोग मुझे बताएं, क्वेश्चन बढ़िया था कि एक्सपोर्ट जो है दोस्तों हमारा बढ़ेगा, निर्यात, एक्सपोर्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात और इंपोर्ट का मतलब होता है आयात, ठीक है ना। डन, चले चले दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके ओके गाइस, डन। अगला दोस्तों, तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि हमारे देश का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये कहाँ पर है। और अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए हमारे देश का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, तो हम लोगों ने रिसर्च पर्पस के लिया था, और ये हम लोगों ने दोस्तों लगाया था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, मुंबई में, बार्क में दोस्तों ये हम लोगों ने रखा था भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, और इसका नाम था दोस्तों अप्सरा। इसका नाम क्या था, अप्सरा। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है दोस्तों, तो ये हमारे देश का फर्स्ट क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यानी कि ये हमारे देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। दोनों में क्वेश्चन में डिफरेंस है, तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। और आप सब जानते हैं दोस्तों महाराष्ट्र में भी हम लोग बात करें, जो मुंबई है वहां पर आपको देखने को मिलेगा तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पढ़ते रहे दोस्तों, और यहाँ पर एक ऑप्शन राजस्थान दिख रहा है, तो राजस्थान में दोस्तों हमको क्या मिलेगा बताओ, राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट, रावत भाटा। और बेटा इस समय मैं मध्य प्रदेश में हूँ, और मध्य प्रदेश में अंडर कंस्ट्रक्शन है चुटका, चुटका है ना, चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट। दोस्तों हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश में अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी इसका काम चल रहा है, ठीक है। गुजरात में कौन सा है दोस्तों, काकरा पार देखने को मिलेगा। कर्नाटक में कौन सा है, कैगा देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा मिलेगा, नरोरा देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में कौन सा मिलेगा, कल्पक्कम और कुंडन कुलम देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा कौन सा दोस्तों, तो आपका कुंडन कुलम है, ये भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे दोस्तों। उदयगिरी केव्स कहाँ पर है, एक तो मैं पहली बात है आपको क्लियर कर देता हूं, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। एक उदयगिरी और ब्रह्मगिरी जो गुफाएं हैं वो आपको भुवनेश्वर में भी मिलती है, लेकिन यहाँ पर आप देखो भुवनेश्वर ऑप्शन में नहीं है। क्यों, क्योंकि दोस्तों एक और उदयगिरी की गुफाएं हैं
जिसको गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड में बनाया गया है, और जो उदयगिरी केव्स और ब्रह्मगिरी केव्स दोस्तों जो आप पढ़ते हो जो भुवनेश्वर में, वो खारवेला ने बनवाया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ वाली जो है दोस्तों ये गुप्ता वंश की है, और ये जो आप देख रहे हो ये भगवान विष्णु के कौन से अवतार है, दसवें अवतार है ना। और दसवें अवतार दोस्तों कौन सा अवतार होता है बताओ, वराह। दसवां अवतार कौन सा होता है, वराह का अवतार, भगवान विष्णु का दसवां अवतार। और आपको पता है गुप्ता डायनेस्टी के जो लोग हुआ करते थे वो भगवान विष्णु के दसवें अवतार की तो पूजा करते थे। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पर मिलेगा, ये आपको मिलेगा विदिशा, और विदिशा दोस्तों वही जगह है जहां पर जन्म हुआ है किसका, कैलाश सत्यार्थी का। और कैलाश सत्यार्थी कौन है, मेरे ख्याल से ये किसी भी बात करें तो क्या बोलना चाहिए, परिचय के मोहताज है नहीं। 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, और अभी अभी दोस्तों चाइल्ड राइट्स के लिए, बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उसमें दोस्तों इनको एडवोकेट नियुक्त किया गया है। और विदिशा दोस्तों कहाँ पर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, है ना। ये बात दोस्तों आप लोग यहाँ पर जरूर से जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं। तिलैया डैम कहाँ पर है, तिलैया डैम के बारे में अगर दोस्तों मैं बात करूंगा तो तिलैया डैम आपको मिलेगा झारखंड में, है ना। हाँ, दशावतार टेम्पल बेटा हम लोग बात करेंगे तो आपको झांसी के पास में देखने को मिलेगा, बिल्कुल, है ना। तिलैया डैम के बारे में आप लोग मुझे बताएं, तिलैया डैम कौन से नदी पर है, तिलैया डैम दोस्तों आपको झारखंड में मिलेगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, रिवर आप लोग बताएंगे, रिवर आपको लोग बताएं मुझे कौन सी नदी, डी, बिल्कुल डी, ऑप्शन नंबर डी, बराकर। और जो बराकर है दोस्तों हम लोग बात करेंगे, ये एक ट्रिब्यूटरी है कौन सी नदी की, दामोदर। दामोदर नदी जानते हो ना, जो झारखंड से निकलती है फिर पश्चिम बंगाल में जाकर के हुगली में मिल जाती है, जिसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, सौरो ऑफ बंगाल, बंगाल का शोक भी बोलते हैं। और याद रखो दोस्तों इसी पर बनाया गया था दामोदर वैली कॉरपोरेशन, कब बनाया गया था, 1948 में, 1948 में। और ये हमारे देश का क्या है, फर्स्ट मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट है, भारत का पहला नदी बहुउद्देशी नदी घाटी परियोजना, भारत का पहला बहुउद्देशी नदी घाटी परियोजना इसको बोलेंगे दोस्तों हम लोग। और जो दामोदर नदी है इसके बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसको रूहर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, रूहर ऑफ इंडिया। ये रूहर कहाँ पर है दोस्तों, ये जर्मनी में है। और ये क्यों फेमस है, ये कोल के लिए, कोयले के लिए फेमस है। और दामोदर नदी के भी दोनों तरफ दोस्तों कोयला पाया जाता है, और दामोदर नदी में दोस्तों आपको जीव जंतु देखने को नहीं मिलते, कोयला ही कोयला भरा हुआ है, इसलिए इसको दोस्तों क्या बोलते हैं बताओ, इसलिए इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल डेजर्ट, इसलिए इस नदी को बोला जाता है बायोलॉजिकल डेजर्ट, यानी कि हम लोग बात करेंगे जैविक मरुस्थल। बेटा वो मूवी देखी गैंग ऑफ वासेपुर, है ना, तो जो धनबाद वगैरह वो सब कहाँ पर है, दामोदर नदी के पास तो है पूरा का पूरा, ठीक है। चलिए तो ये बात दोस्तों याद रखना है, और झारखंड से निकलती है फिर बंगाल में जाकर के हुगली नदी में मिल जाती है, चलिए। और इसी को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, बंगाल का शोक मतलब कि सौरव ऑफ बंगाल के नाम से भी आप लोग इसको जानते हो। अगला देखते हैं, अलामट्टी डैम जिसका एक और नाम क्या है दोस्तों, मैं बात करूं लाल बहादुर शास्त्री डैम के भी नाम से दोस्तों हम लोग इसको जानते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोस्तों कहां पर, वो आपको वाराणसी में देखने को मिलेगा। तो अलामट्टी डैम दोस्तों अगर मैं बात करूंगा तो कौन सी नदी के किनारे आपको मिलेगा, ये आप लोग मुझे यहाँ पे बताएं, ठीक है। ये मैं कुछ बना रहा हूँ आपके लिए, देखो ये क्या है, ये एक रिवर है जिसका नाम है तुंगभद्रा, ये ऐसे जा रही है। और इस तुंगभद्रा नदी के किनारे दोस्तों एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है हम्पी, वही प्राचीन विजयनगर एम्पायर की राजधानी। और जो ये वाली जो नदी है, अगर हम बात करें गाइस, ये वाली जो नदी है, ये नदी दोस्तों कौन सी, जैसा कि आप बता रहे हो ये नदी कृष्णा, तो दोस्तों मैं यहाँ पे बात करता हूँ ये नदी कौन सी है, कृष्णा, ठीक है। और इसी के किनारे दोस्तों कर्नाटक में लाल बहादुर शास्त्री डैम मिलेगा, है ना, कर्नाटक में, ये आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और जो कृष्णा और जो तुंगभद्रा इसके बीच का जो एरिया है ये वाला, इसके लिए दोस्तों बहुत ज्यादा बैटल हुई है, और इसको हम लोग बोलते हैं रायचूर द्वाब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रायचूर द्वाब। आपको पता है द्वाब क्या होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग, है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी,
अब दोस्तों एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे याद रखना है कि कृष्णा नदी के ऊपर अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे तो आपको कौन कौन से डैम देखने को मिलते हैं, कृष्णा नदी के ऊपर कौन कौन से डैम देखने को मिलते हैं बताइए जरा। हाँ जी ट्राई करो दोस्तों, डैम जो है वो कौन कौन सा आपको देखने को मिलेगा कृष्णा रिवर के ऊपर डैम। एक तो दोस्तों मैंने आप लोग को अभी बताया, इसके अलावा हम लोग बात करें और कौन कौन से डैम आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे फेमस डैम होगा दोस्तों, उसका नाम बता सकते हैं? तो सबसे फेमस डैम तो दोस्तों आपको पता है जो कृष्णा नदी पर है, उसका नाम क्या है? नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर। और अगर हम बात करें दोस्तों जो नागार्जुन सागर डैम है आप लोग जानते हो, ये दोस्तों आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? मेनली आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना के बॉर्डर में आपको देखने को मिलेगा। और कावेरी नदी के बारे में दोस्तों बात करूं तो इस नदी के ऊपर एक डैम है जिसका नाम क्या है? कृष्णराज सागर। और जो कृष्णराज सागर है ये दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो कहाँ पर है? कर्नाटक में। और इसको डिजाइन किसने किया था पता है? एम विश्वेश्वरैया ने। एम विश्वेश्वरैया ने इसको डिजाइन किया था कृष्णराज सागर डैम को। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जैसे कि आपको पता है कि गोदावरी को हम लोग क्या बोलते हैं? साउथ गंगा। साउथ गंगा के नाम से जानते हैं। और कावेरी को हम लोग गंगा ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। बिल्कुल अगला क्वेश्चन दोस्तों लोग बात करेंगे शाहपुर कांडी डैम। तो गाइज आपको पता है 1960 में 1960 में जगह थी कराची, और वर्ल्ड बैंक के कहने पर क्या हुआ था बताओ? इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता हुआ था। किसके बीच में? अयूब खान वहां के राष्ट्रपति और जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्रेसिडेंट के बीच में। तो इसमें पाकिस्तान को 80% पानी दिया गया था, किसका बताओ? सीजीआई का, चिनाब, झेलम और इंडस यानी कि सिंधु। और इंडिया को 80% दोस्तों पानी दिया गया था किसका? रब्स, रावी, ब्यास और सतलुज। और जो बीच का जो जो 20% है दोस्तों वो दूसरा देश इस्तेमाल करेगा, ये सिंधु जल समझौता था। तो इसमें दोस्तों हो क्या रहा था कि हम लोग ना जरूरत से ज्यादा पानी दे रहे थे रावी नदी का, किसको दे रहे थे बताओ? पाकिस्तान को। तो इसीलिए दोस्तों रावी नदी पर हम लोगों ने पंजाब में एक नया डैम बनाना चालू किया है, और इस डैम का नाम क्या है? शाहपुर कांडी डैम। हालांकि रावी नदी पर दोस्तों एक और डैम भी है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं अगर आपसे बात करें हम लोग, तो इसको हम लोग बोलते हैं रंजीत सागर। और रंजीत सागर जो डैम है इसी को मैं एक और नाम से भी जानता हूँ, इसी को हम लोग खेन डैम के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात भी आप लोग यहाँ पे याद रखें। गुड मॉर्निंग गाइस। हाँ जी 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे होता है। हाँ बेटा ये क्लास एवरीडे होती है, बिल्कुल एवरीडे होती है। चले अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। भाई साहब गेटवे ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन मैंने कल स्पेशल क्लास में भी डिस्कशन किया था। आपको दोस्तों बताना है कि गेटवे ऑफ इंडिया का फाउंडेशन स्टोन, फाउंडेशन स्टोन का मतलब क्या है? बेसिकली बताओ दोस्तों फाउंडेशन स्टोन मतलब आप समझ सकते हो ना जो पहला पत्थर रखा जाता है, जो जो जिससे उद्घाटन, जिससे आप बोल सकते हो कि कंस्ट्रक्शन चालू होता है, ये कब रखा गया ये बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर बताना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है दोस्तों ये क्यों बनवाया गया था, किसकी याद में बनाया गया था? तो 1911 में इंग्लैंड की तरफ से पहली बार एक राजा भारत आया था जॉर्ज 5, वो इसी रास्ते से आया था तो उसी की याद में बनवाया गया। लेकिन लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन है दोस्तों वो स्टार्ट कब हुआ या फिर फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया, ये क्वेश्चन आपके सीजीएल में आया हुआ है। 31 मार्च 1913 को दोस्तों इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। और ये आपको कहाँ पर मिलेगा? मुंबई में मिलेगा। और इसका जो डिजाइन जिसने किया था वो भी आपके दिमाग में डालना है आपको, उस व्यक्ति का नाम था जॉर्ज विटेट। जॉर्ज विटेट व्यक्ति था दोस्तों जिसने इसको डिजाइन किया था। ये दोनों पॉइंट अपने दिमाग में डाल लेना, नहीं तो क्वेश्चन गलत करके आओगे। और याद रखना दोस्तों मुंबई को हम लोग क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ क्या बोलेंगे बताओ? सिटी ऑफ 7 आइलैंड भी बोलते हैं। सिटी ऑफ 7 आइलैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दोस्तों द्वीपों पे बसा शहर है बेसिकली। पहले सिटी ऑफ 7 आइलैंड भी बोलते हैं आप लोग इसको, आप लोग हॉलीवुड ऑफ इंडिया बोलते हो, माया नगरी भी बोलते हो। और ये हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है यानी कि ये हमारी व्यापारिक राजधानी है, ये बात भी आप लोग को यहाँ पे याद रख लेना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग प्रिया, जतिन, एवरीवन दोस्तों गुड मॉर्निंग गाइस, है ना। चलें अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ओणम फेस्टिवल अभी अभी गया है कौन से स्टेट में देखने को मिलता है? ओणम फेस्टिवल अभी अभी गया है कौन से स्टेट में आपको देखने को मिलता है? देवव्रत। हाँ जी जिशान। हाँ इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आदर्श,
पवन वायु, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जरा। ओनम फेस्टिवल रिसेंटली गया दोस्तों, बताएं। ओनम फेस्टिवल, और मैं जहां बैठा हूं ये भोपाल, सिटी ऑफ फाइव हिल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ जी, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ओणम। ओणम आपको देखने को मिलेगा केरला में, है ना। और अगर दोस्तों यहाँ पे पोंगल लिख दूं तो पोंगल, पोंगल लिख दूं तो तुरंत आंसर आपका चेंज होकर के कहाँ चला जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है ना। तुरंत आपका आंसर कहाँ पे चला जाएगा, तमिलनाडु। ये बात भी आप लोग को याद रखना है। केरल में टोटल दो हमको क्या देखने को मिलते हैं, देखो क्लासिकल डांस आप समझते हैं शास्त्रीय संगीत, सॉरी क्लासिकल डांस को हम लोग बोलते हैं आपका शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। और हमारे देश में दोस्तों शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस कितने होते हैं, आठ, यस और नो। और इसमें से दोस्तों दो केरल में, एक तो मोहिनीअट्टम और दूसरा दोस्तों बात करूं कथकली, है कि नहीं। और तमिलनाडु में दोस्तों कौन सा है, भरतनाट्यम, तमिलनाडु में कौन सा है, भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश में दोस्तों आपको कौन सा देखने को मिलेगा, तो ये आपका कुचिपुड़ी, ठीक है। अगर हम उत्तर प्रदेश जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कथक। कितने हो गए गाइस, अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5। आसाम में दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सतारिया, ठीक है। मणिपुर में दोस्तों आपको मिलेगा मणिपुरी, और ओडिशा में आपको मिलेगा ओडिसी। तो ये सब भी आप लोग यहाँ पर याद रखना है ना, ठीक है। तो ये जो पॉइंट दोस्तों मैं आप लोग के साथ में यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ, ये एकदम अच्छे से इम्पॉर्टेंट है, और आपको दोस्तों यहाँ पे आपको पढ़ते जाना है, ठीक है। चले अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर दीजिए जरा। बक्सा टाइगर रिजर्व आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। एक बंदा कल्चरल के बारे में पूछ रहा, बेटा कल्चरल सिटी मैंने पढ़ाया तो था, कलकत्ता ना, कल्चरल सिटी ऑफ इंडिया हम लोग कलकत्ता को बोलते हैं। जब मैंने याद करो एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने रीजन के साथ आपको 68 सिटी पढ़ाई थी, 68 सिटी पढ़ाई थी, है ना, मतलब किस शहर को क्या बोलते हैं। तब मैंने सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ कल्चर, कलकत्ता को बताया तो था आपको। हाँ जी, बक्सा टाइगर रिजर्व दोस्तों आपको ये वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और हम लोग जानते हैं दोस्तों 1973 में हमारे देश में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी टाइगर को बचाने के लिए। और 51st टाइगर रिजर्व दोस्तों कहाँ पे बना, तमिलनाडु में मेघमलई श्रीवलीपुत्तूर नाम रखा गया इस टाइगर रिजर्व का। 52वां जो टाइगर रिजर्व है ये आपका राजस्थान में बना, उसका नाम था रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। और जो 53rd है दोस्तों, ये अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ है जस्ट, ये छत्तीसगढ़ में बनाया गया, इसका नाम है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ये भी आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। इंद्रावती टाइगर रिजर्व, देखो भाई इंद्रावती एक रिवर भी है और इसी के नाम पे टाइगर रिजर्व का नाम भी रखा गया है। इंद्रावती रिवर दोस्तों किसकी सहायक नदी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंद्रावती सहायक नदी है किसकी, गोदावरी की। ये निकलती कहाँ से दोस्तों, हम लोग बात करेंगे इंद्रावती नदी, इंद्रावती निकलती दोस्तों ओडिशा से, दिन जाती छत्तीसगढ़, दिन दोस्तों जाती महाराष्ट्र। तो जब ये छत्तीसगढ़ में जाती दोस्तों तो ये यहाँ पे इंद्रावती टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों इंद्रावती नदी के ऊपर एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल है जिसका नाम है चित्रकूट, चित्रकूट वाटरफॉल दोस्तों। नक्सलाइट एरिया में पड़ता है पर बहुत ही शानदार है ये चित्रकूट वाटरफॉल। कहां पर आपको मिलेगा, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में ये मिलेगा, है ना। जिम कॉर्बेट की दोस्तों बुक का नाम, बिल्कुल, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊ, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नामदफा टाइगर रिजर्व, देखो भाई हमारा एक स्टेट है जिसके साथ में चाइना एक बॉर्डर बनाता है जिसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। हालांकि वो चाइना तो नहीं था, तिब्बत था, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि चाइना की एक्सपांशन जो नीति वो चलती है। तो मैकमोहन लाइन दोस्तों सिर्फ कहाँ पर है पता है, ये आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, जो हमारे भारत का इंटीग्रल पार्ट है, और दोस्तों हम लोग बात करें चाइना के बीच में। हालांकि जो चाइना जो है वो बॉर्डर किसके साथ बनाता है, पांच स्टेट और एक, चार स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के थ्रू बनाता है। और ये कौन कौन से दोस्तों, तो चाइना बॉर्डर बनाता है एक तो सिक्किम के साथ में, ठीक है ना, एक दोस्तों मैं बात करूंगा हिमाचल के साथ में, तो शालू नाम की ट्रिक याद रखना, एक दोस्तों हम लोग बात करेंगे अरुणाचल के साथ में, एक हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे लद्दाख के साथ में, और एक दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो ये बॉर्डर बनाता है उत्तराखंड के साथ में, जिसमें से मैकमोहन लाइन जो है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी। और दोस्तों आपको याद रखना है कि
चाइना का नाम सुनते ही हम लोग उनको दफा कर देते हैं, है ना। तो नाम दफा, नाम दफा कहाँ पे दफा कर देते हैं बेटा, अरुणाचल प्रदेश में, है ना, तुरंत भगा देते हैं। नाम दफा, नाम सुनते ही दफा कर देते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों याद रखना, पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये भी अरुणाचल प्रदेश का ही एक फेस्टिवल है। और ये अरुणाचल प्रदेश की कौन सी ट्राइब मनाती है दोस्तों, ये निशी ट्राइब मनाती है, निशी जनजाति के लोग इसको मनाते हैं। और अगर सिर्फ नागालैंड में बात करूं दोस्तों, तो नागालैंड में अगर पूछा जाएगा तो नागालैंड में आपको देखने को मिलेगा हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये एक बर्ड है, ठीक है ना। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल है और अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है, दोनों में अंतर है। यस और नो? हाँ बिल्कुल बेटा, ईस्टर्न पॉइंट ऑफ जो इंडिया है वो हम लोग दोस्तों बात करेंगे, किबिथू है अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल ठीक है, है ना। तो दोस्तों ये ट्रिक भी आप लोग याद रखें तो आपकी काफी हेल्प करेगा ये। अगला देखते हैं, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन जो 1951 में बना था, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहां पर है, चेन्नई में है। हमसे पूछा जा रहा है कि जो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन है दोस्तों, इसके प्रेसिडेंट इस समय कौन है। जबकि बात करें दोस्तों, जो वर्ल्ड में जो चेस फाउंडेशन है, जो चेस फेडरेशन है, उसका हेडक्वार्टर आपको लोशान में मिलता है। और इंडिया में चेस फेडरेशन है दोस्तों, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, ये आपको संजय कपूर दोस्तों इसके प्रेसिडेंट के रूप में देखने को मिलेंगे। देन हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल मैच ऑफिशियल इन मैंस टेस्ट मैच, शी वॉज अ फोर्थ अंपायर इन थर्ड टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक, मैं बता दूं, फोर्थ अंपायर बनी थी जो बॉल वगैरह ले के आते हैं। तो पहली बार हो रहा था कि एक बंदी को मौका मिला दोस्तों मैंस कैटेगरी के टेस्ट मैच में पार्टिसिपेट करने का, ये भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की थी। और इनका नाम क्या है, क्लेयर पुलोसॉक, ये थी दोस्तों क्लियर पुलोसॉक, ये आप लोग को यहाँ पे याद रखना है बेटा। पीडीएफ मिलेगा अनुराग सरन एकेडमी पे। अगला देखते हैं, इंडिया का फर्स्ट फायर पार्क। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों बात करूँ केरला के बारे में, तो जो पार्क वगैरह की बात करें तो केरला में मिलेगा फर्स्ट जेंडर पार्क। केरला में क्या मिलेगा, फर्स्ट जेंडर पार्क। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फर्स्ट लेदर पार्क, वो आपको कानपुर में मिलेगा। तो फिलहाल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों फायर पार्क क्या, देखो जो कॉलेज में और स्कूलों में जो बच्चे हैं ना दोस्तों, आग से जो ट्रेजेडी हो जाती है उसको रोकने के लिए उनको दोस्तों यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि भाई कैसे आप इन सब चीज़ों से बच सकते हो, तो ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। और उड़ीसा में भी दोस्तों कहाँ पर, तो हम बात करेंगे भुवनेश्वर की, जो उड़ीसा की जो कैपिटल है जिसका नाम क्या है दोस्तों, भुवनेश्वर, है ना, भुवनेश्वर, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे भुवनेश्वर के बारे में, तो इसमें यहीं पर आपको बहुत सारे टेंपल मिलेंगे, जैसे कि लिंगराज, इसलिए दोस्तों इसको टेंपल सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और आपको पता है दोस्तों कोविड के लिए दोनों डोज लेने वाला ये पहला सिटी बन गया था, फर्स्ट सिटी दोस्तों जिसने 100% क्या कराया था, वैक्सीनेशन, ये भी आप लोग को यहाँ पर याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पर एक स्टेडियम भी है भुवनेश्वर में, और वहां पर मैं बात करूँ दोस्तों तो उस स्टेडियम का नाम क्या है, कलिंगा हॉकी स्टेडियम। और दोस्तों जो कलिंगा हॉकी स्टेडियम है भुवनेश्वर में, यहाँ पर अंडर 21 क्या होने वाला है, FIH मतलब फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का दोस्तों वर्ल्ड कप होने वाला, ये आप लोग याद रखो। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा में एक जगह है जिस जगह का नाम क्या है दोस्तों, राउरकेला, यहाँ पे मेन वर्ल्ड कप होने वाला है दोस्तों। और राउरकेला में आपको देखने को मिलेगा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, और ये इंडिया का दोस्तों याद रखो लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है, ये इंडिया का लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम है, ये बात भी आप लोग को यहाँ पे याद रखना है ना, बिल्कुल। चलिए अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो बात करते हैं। अच्छा, और अगर टायर पार्क बोलेगा दोस्तों, टायर पार्क दोस्तों हम लोग बात करें तो वेस्ट बंगाल में ओपन किया गया ना, कलकत्ता में, वो भी आप लोग याद रख सकते हो जी। देखते हैं दोस्तों, इंडिया का फर्स्ट इंडोर स्काई पार्क, यहाँ पे दोस्तों पूरा बर्फ वाले जो गेम है ना वो खेले जाएंगे। तो हम लोग क्या होता है ना दोस्तों, विंटर ओलंपिक में अच्छा परफॉर्म करते नहीं है, और नेक्स्ट विंटर ओलंपिक आपके बीजिंग में होने वाले हैं। और ब्रिक्स में दोस्तों चाइना ने हमसे साइन भी करवा लिया है कि हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। तो दोस्तों हमारे यहाँ बहुत अच्छा माहौल नहीं है, तो इसको प्रोवाइड करने के लिए हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये सब चीज़ें की जा रही हैं कि धीरे धीरे हमारे यहाँ पे ये गेम भी अच्छा हो। तो दोस्तों ये इंडोर स्काई स्टेडियम ओपन किया गया है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। और जिस प्लेस पर स्टार्ट किया गया दोस्तों, ये प्लेस है कुफरी, इस प्लेस का नाम क्या है, कुफरी हिमाचल प्रदेश। अगला देखते हैं, ब्रिटेन में दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो
एक एरिया आता है स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड में भी दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो ग्लासगो, ग्लासगो वहां पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होने वाली। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 का मतलब क्या है दोस्तों, एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है जो 26 नंबर की है। दोस्तों इसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो एक भारतीय मूल का होगा, इंडियन ओरिजिन का होगा, उसका नाम क्या है, आलोक शर्मा है, नितिन झा है, अनिमेश वत्स या फिर कैलाश झा है, करेक्ट आंसर बताओ। है ना, बिल्कुल हाँ जी, बताएं दोस्तों। तो ये है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आलोक शर्मा, आलोक शर्मा आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल बेटा यहाँ पे हिडम्बा टेम्पल आपको मिलेगा, यहाँ पे रेणुका जी का टेम्पल भी मिलेगा, और हम लोग बात करें दोस्तों रेणुका जी लेक भी मिलेगा, है ना, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, काफी इंपॉर्टेंट है भाई हिमाचल प्रदेश। कुछ ऑटोबायोग्राफी जो आपको रट लेनी है भाई, जो एग्जाम में आती है, 281 एंड बियॉन्ड ये वीवीएस लक्ष्मण की उतनी नहीं आती, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये युवराज सिंह की है, यूवी पाजी की, ये मत भूलिएगा, ये एग्जाम में सुपर इंपॉर्टेंट है, ये आपको रट लेना है भाई, एकदम रट लो, दिमाग में डाल लो। डियोगो मैराडोना दोस्तों ये अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर थे, इनकी डेथ हो चुकी है अब। ये अर्जेंटीना जिसकी कैपिटल है ब्यूनस आयरस, करेंसी पेसो, वहां के महान फुटबॉलर थे, इनकी डेथ हो चुकी, तो मैं भी पूछ सकता है, ठीक है। एस अगेंस्ट ऑड्स दोस्तों ये जो टेनिस प्लेयर है सानिया मिर्जा, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। प्लेइंग टू विन अगेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये साइना नेहवाल की, याद करना है आपको। द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी दोस्तों, ये वर्ल्ड के फेमस बॉक्सर थे जिनका नाम था दोस्तों मोहम्मद अली, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, मे भी पूछी जा सकती है। लेकिन इस पूरी स्लाइड में द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, एस अगेंस्ट ऑड्स और प्लेइंग टू विन, ये आपको एकदम याद रखनी है भाई, ये आपको बिल्कुल याद रखनी है, कोई दिक्कत यहाँ पर होनी नहीं है। और बुक आपको इंग्लिश में याद करनी है। देन स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट दोस्तों, ये हरियाणा हरिकेन जिनको हम लोग बोलते हैं, हरियाणा हरिकेन हम लोग किसको बोलते हैं, कपिल देव जी को, जिन्होंने दोस्तों इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाया था कब, 1983 में, है ना। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये एग्जाम में पूछी जाती, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट। अनब्रेकेबल दोस्तों सुपर इंपॉर्टेंट है, ये मैरी कॉम जी की ऑटोबायोग्राफी है। द रेस ऑफ माई लाइफ दोस्तों, तो ये है हमारे फ्लाइंग सिख जिनको हम लोग बोलते हैं, फ्लाइंग सिख दोस्तों मतलब मिल्खा सिंह जी, और इनके जो बेटे हैं दोस्तों जिनका नाम है जीव मिल्खा सिंह, उनको दोस्तों याद रखना, जो यूएई है उसने गोल्डन वीजा दिया है, याद रखना यूएई का गोल्डन वीजा मिला है, मतलब 10 साल तक वो आराम से वहां पे रह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। भगत सिंह जी की दोस्तों हम लोग बात करें, शहीद आजम भगत सिंह जी दोस्तों, इनका भी बर्थडे गया है, 27 सितंबर को इनका बर्थडे गया है। तो वाई आई एम एन एथिस्ट ये इनकी दोस्तों किताब है, आप जरूर से जरूर याद रखो। वेटिंग फॉर अ वीजा ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ऑटोबायोग्राफी है, और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, तो अगेन इंपॉर्टेंट है। आत्मकथा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है, ये इतनी एग्जाम में नहीं आती, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की दूसरी बुक एग्जाम में आती है, और उस बुक का नाम है दोस्तों इंडिया डिवाइडेड, ये बुक ज्यादा एग्जाम में आती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, बिल्कुल। अगला दोस्तों हम लोग यहाँ बात करेंगे विंग्स ऑफ फायर, भाई साहब इससे इंपॉर्टेंट बुक कोई हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं। विंग्स ऑफ फायर है पीपल्स प्रेसिडेंट, जनता के राष्ट्रपति की, जिनका नाम क्या, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, है ना। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की दोस्तों लोग बात करें तो सुपर इंपॉर्टेंट बुक है। अगला देखते हैं अ शॉर्ट एट हिस्ट्री दोस्तों, ये आपको याद होगा 2018 सॉरी 2008 बीजिंग ओलंपिक, बीजिंग ओलंपिक इंडिया को मिला था अपना फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड, भारत को मिला था अपना फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड, पहला व्यक्तिगत स्वर्ण मिला था दोस्तों इसमें शूटिंग में, और ये दिलाया था किसने, अभिनव बिंद्रा ने, अभिनव बिंद्रा ने दिलाया था। और सेकेंड इंडिविजुअल गोल्ड दोस्तों हम लोग को अभी मिला है, अभी मिला वो किसने दिलाया है, नीरज चोपड़ा ने। लेकिन नीरज चोपड़ा दोस्तों फर्स्ट है ट्रैक एंड फील्ड में, ये तो शूटिंग में था, तो ट्रैक एंड फील्ड में दोस्तों नीरज चोपड़ा फर्स्ट है। हमारे पास आज दिन तक टोटल कितने गोल्ड है दोस्तों, 10 गोल्ड है, जिसमें से 8 हॉकी के हैं, है ना, वो टीम इवेंट है। एक बात करें दोस्तों अभिनव बिंद्रा जी का है, और एक दोस्तों ने बात की तो नीरज चोपड़ा जी का है। तो ये आप लोग को यहाँ पे याद रखना है, आ शॉर्ट एट हिस्ट्री। करेज एंड कन्विक्शन ये जनरल वीके सिंह साहब की, अब उतनी नहीं आ रही है। वन लाइफ इज नॉट इनफ ये कुंवर नटवर सिंह, कांग्रेस के फेमस नेता हुआ करते थे। अगला है दोस्तों द इंडियन स्ट्रगल, सुपर इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस जी की किताब है, और सुभाष चंद्र बोस जी के हिसाब से दोस्तों याद रखना फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रीयता के पिता कौन है, वन एंड ओनली स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद जी का दोस्तों जन्म हुआ था कलकत्ता में, कब हुआ था, 12 जनवरी को, और ईयर था आपका 1863, और 30 साल की एज में 1893 में दोस्तों ये कहाँ गए थे, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में, और
वो जगह कौन सी दोस्तों हम लोग बात करें तो शिकागो, शिकागो फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में हम लोग बात करें तो इनका जन्म भी जनवरी में हुआ है, 23 जनवरी को, और डेट थी 1897। और दोस्तों जो ईयर है, पर जो जगह है वो है कटक। कटक कहाँ पर है? उड़ीसा। और स्वामी विवेकानंद जी का दोस्तों लोग बात करें तो कलकत्ता। और स्वामी विवेकानंद जी की दोस्तों डेथ कब हुई थी? तो दोस्तों 1902, 1902। आपको दोस्तों हम लोग मैं बताऊं यहाँ पे आपको जो बेल्लूर मठ है ना, बेल्लूर मठ ये कहाँ पर दोस्तों? हावड़ा, वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, बेल्लूर मठ हावड़ा। और बेल्लूर मठ में दोस्तों इन्होंने 1897 में क्या स्टार्ट करवाया था? रामकृष्ण मिशन स्टार्ट करवाया था। और रामकृष्ण कौन थे दोस्तों? वो इनके गुरु भी थे। और दक्षिण कालेश्वर जो मंदिर है, दक्षिण जो काली मंदिर है कलकत्ता में, उसको पुजारी हुआ करते थे रामकृष्ण परमहंस। देन दोस्तों एपी हम लोग बात करें अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम, ये दोस्तों हमारे देश के क्या थे? फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, पहले शिक्षा मंत्री थे। और इन्हीं का जो बर्थडे होता है दोस्तों हम लोग बात करें तो 11 नवंबर को आता है, और उसको हमारे देश में एजुकेशन डे के रूप में मनाते हैं। कब आता है? 11 नवंबर को, 11 नवंबर को दोस्तों इनका बर्थडे आता है अबुल कलाम आजाद का, ये भी आप लोग यहाँ पे याद रखना। बिल्कुल, चले अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग बात करेंगे। चले अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे होता है, और 12 अगस्त को आपका बात करें तो वर्ल्ड यूथ डे होता है, दोनों आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। और विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर दोस्तों? ये बनाया गया है आपका, बात करो दोस्तों तो कन्याकुमारी में, विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपका कन्याकुमारी में बनाया गया। चलिए ये कुछ फैक्ट आपके लिए बताया दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, आप सभी लोग को मैं बोलूंगा कि इस चैनल पर जरूर आओ। इस चैनल का नाम है नॉलेज 365, नॉलेज 365 सर्च करो, और यहाँ पर डेली मेरा करंट अफेयर होता है 10 बजे, डेली मेरा करंट अफेयर होता है 10 बजे। अब सुनो, आज की स्पेशल क्लास के बारे में बता देता हूँ। आज स्पेशल क्लास कई होने वाली है, टोटल में 3 स्पेशल क्लास आज लूंगा गाइस, जिसमें से सबसे पहली आज होगी 9 AM पे, ठीक है ना। दूसरी दोस्तों मैं बात करूंगा, ये होगी आपकी 4 PM पे, और तीसरी जो होगी दोस्तों ये आपकी होगी 9:45 PM पे। तो आज वेडनेसडे है, तो आज स्पेशल क्लास फेस्टिवल है, तो दोस्तों आज 3 स्पेशल क्लासेस होंगी। और स्पेशल क्लास अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो, और वहां पे दोस्तों जाओ SSC कैटेगरी में, सर्च मारो अनुराग सिंह के नाम से। और अगर नहीं मिलता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरी प्रोफाइल का लिंक है। इसके अलावा आप अनुराग सर अनअकैडमी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं लेक्चर का PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए तो ये स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री होंगी। और अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज दोस्तों अवेल कर सकते हो। जस्ट यूज करो कोड NG10, इंस्टेंट आपको 10% ऑफ मिलेगा, और इसी कोड का यूज करके आप स्पेशल क्लासेस को अनलॉक भी कर सकते हो। तो ये बात भी आप लोग यहाँ पे याद रखना, ठीक है ना बेटा। करंट अफेयर का PDF भी मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ अनबॉक्स रन अकेडमी में, ठीक है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन दोस्तों, है ना। और अगर अन अकेडमी के किसी वीडियो में अगर कोई आपको रॉन्ग कॉन्टेंट मिले तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों कॉन्टेंट को रिपोर्ट करने का लिंक भी होता है। तो डू लाइक दिस सेशन दोस्तों, जितना ज्यादा आप लाइक कर सकते हैं बिल्कुल लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेक्चर के तुरंत बाद आप जाएं नॉलेज 365 में, उस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। फोटो में आपकी शक्ल मैच नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं मैच होगी भाई, ये उस समय की है जब लॉकडाउन नहीं था। और आज की हम लोग बात करें तो लॉकडाउन अब हट चुका है लगभग, लेकिन भाई इस बीच मैंने बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है, तो बिल्कुल मैच नहीं हो रही है, ठीक है। बिल्कुल हाँ जी, तो बिल्कुल विनय, पवन, भदावर, काजुल, और DJ गेमिंग, संगीता, वायु, कृष्णा, मैंने बता दिया बेटा सरगम। PDF में अनबॉक्स रन अकेडमी डाल दूंगा। मनोज, शिवानी, जीवन, राजौल, पंकज, अंकित, चलिए तो सेशन को